Hey guys, welcome back to the another brand new video of On Record Aman. तो आज हम लोग पूरा रिव्यू करने वाले हैं सुजुकी एक्सेस 125 कॉम्बी ब्रेक रहने वाली है ये और स्पेशल एडिशन रहेगा ये, तो इसका हम पूरा रिव्यू करने वाले हैं। हल्का फुल्का चलाकर भी देखेंगे, अभी मैं इसको चलाकर आया हूँ। आई एम रियली वेरी एक्साइटेड टू शेयर माई राइड एक्सपीरियंस विद दिस स्कूटर, बट अनफॉर्चुनेटली अभी जो प्लान रहता था और रिकॉर्ड करता था हमारा राइड रिव्यू, वो अभी इस टाइम नहीं है। तो थोड़ा सा मतलब बहुत 100% तो मैं नहीं दे पाऊँगा, बट मैं आप लोगों को अपना एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर करूँगा। सो उसके पहले मैं आप लोगों से कुछ थोड़ी सी बातें करना चाहता हूँ गाइज। 2% लोग ऐसे हैं जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब करा हुआ है और वो रेगुलर वो तो देख ही रहे हैं, बाकी और 98% है जो मेरा चैनल देखते हैं बट सब्सक्राइब नहीं कर रहे। क्या चाहते हो दोस्तों, मतलब क्या चाहते हो, बंद कर दूँ वीडियोज ना बनाऊँ? अरे कोई दिक्कत है तो बताओ मेरे को, बट ऐसे तो मत करो यार, सब्सक्राइब कर लो यार, इतनी मेहनत कर रहा हूँ, सब्सक्राइब तो कर ही सकते हो। बेल आइकन बोलता हूँ बजाने के लिए, वो बजाओ मत बजाओ, एटलीस्ट सब्सक्राइब कर लो यार। बड़े धीरे धीरे सब्सक्राइबर्स बढ़ रहे हैं, थोड़ा सा तो इनकरेज करो। स्टिल मैं डीमोटिवेट नहीं हो रहा, मैं रेगुलरली आप लोगों के लिए वीडियोज़ लेकर आ रहा हूँ, तो अगर आप सब्सक्राइब कर लोगे तो बहुत अच्छा है। अगर आप फेसबुक पर ये वीडियो देख रहे हो तो शेयर ज़रूर करना, फेसबुक पर ये वीडियोज़ लगातार डलती रहती हैं। बाकी वीडियो पसंद आती है तो लाइक शेयर कमेंट तो आप लोगों को करना ही है। तो लेट्स स्टार्ट टुडेज़ वीडियो। दिस इज़ हाउ द स्कूटर लुक्स स्टार्टिंग फ्रॉम द इंजन स्पेसिफिकेशन। सो दिस स्कूटर कम्स विद 125cc इंजन, एयर कूल्ड फ्यूल इंजेक्टेड इंजन ये रहने वाला है और 4-stroke 2-valve इंजन है। अगर हम इसके पावर फिगर्स की बात करें तो जो ये पावर प्रोड्यूस करता है ये इंजन, वो आपको पावर प्रोड्यूस करके देगा 8.7 PS की 6750 RPM पे और 10 Nm का टॉर्क प्रोड्यूस करके देगा 5500 RPM पे। तो दिस वॉज अबाउट द इंजन स्पेसिफिकेशन, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द लुक्स। इसमें कुछ 8 colors आपको अवेलेबल मिल जाते हैं। अभी जो आप कलर देख रहे हो वो ग्रेइश है, बाकी जो बाकी के कलर्स हैं, बाकी पूरे 8 colors आपको नीचे स्क्रीन पे ज़रूर देखने को मिल जाएंगे। अभी थोड़ा सा दोपहर का टाइम हो रहा है तो प्लीज़ थोड़ा लाइटिंग को इग्नोर करना, थोड़ी बहुत लाइटिंग ऐसी फ्लक्चुएट हो रही है और थोड़े यहाँ पेड़ पौधे भी हैं इस वजह से, सो प्लीज़ इग्नोर दैट। और अगर हम बात करें, मतलब मैंने आपको बता ही दिया था वैसे, ये कॉम्बी ब्रेक सिस्टम स्पेशल एडिशन डिस्क वाला वेरिएंट रहने वाला है। बाकी प्राइजेस मैं शेयर करूँगा, इसके 5-6 variants आते हैं ऑलमोस्ट, तो मैं उस सबके प्राइजेस आपको लास्ट में शेयर करके ज़रूर बताऊँगा। बाकी अगर हम आएँ फ्रंट प्रोफाइल पे, तो फ्रंट में आपको यहाँ पर LED हेडलाइट्स मैं एक बार ऑन कर देता हूँ, तो LED हेडलाइट्स यहाँ पर मिल जाती हैं जो कि मतलब बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है। मतलब मैंने तो अभी इसको डे लाइट में चलाया तो मैंने इसके रिस्पांस तो नहीं देखा, बट ये देखने में काफ़ी अच्छी लग रही है और आई कैन बेट इसका रिस्पांस बहुत अच्छा होगा, आप देख ही सकते हो यार, मतलब सही है। अब मैं यहाँ भी दिखाऊँ तो ये थ्रो आ ही रही है लाइट की। सो ये आपका हेडलैम्प्स हो जाता है और फिर नीचे हैं तो पायलट लैम्प्स यहाँ पे हेलोजन में आपको मिल जाते हैं, विच इज़ गुड, बट ये इसका कोई यूज़ नहीं है, जस्ट फॉर लुक्स है तो ठीक ही है। मतलब पायलट लैम्प आपको मिल जाते हैं और ये आपको इंडिकेटर्स मिल जाते हैं विच इज़ रियली वेरी बिग। एक सेकंड मैं आपको जला के दिखा देता हूँ, तो बल्ब इंडिकेटर्स इसके अंदर आपको मिल रहे हैं और ये साउंड इसमें शायद कंपनी से जाती है ऑन करार के, ये तो नहीं पता है, तो छोटी चीज़ है कोई बात नहीं। तो दिस इज़ हाउ द हेडलाइट लुक्स। अब हम नीचे आए तो आपको यहाँ पर मिल जाता है कंबाइंड ब्रेक की बैजिंग। तो कंबाइंड ब्रेक मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, मैं वो अपना राइड रिव्यू में शेयर ज़रूर करूँगा कि कंबाइंड ब्रेक क्या काम कर रहा है, क्योंकि इट इज़ वर्किंग वेरी गुड, मतलब मेरे को बहुत अच्छा लगा। मतलब मैं एक्टिवा चलाता हूँ तो मेरे को एक्टिवा का पता है कि पीछे का अगर हम ब्रेक लगाते हैं तो पीछे की ही टायर पे ब्रेक लगेंगे, इसमें अगर मैं पीछे के ब्रेक यानी ये वाले ब्रेक अगर लगाता हूँ तो दोनों टायर्स पे काम कर रहा है, और अगर मैं ये ब्रेक दबा रहा हूँ तो सिर्फ फ्रंट का डिस्क काम कर रहा है, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। तो मेरे सब मैं तो ज़्यादातर यही ब्रेक यूज़ करता हूँ, ज़्यादातर और भी जो दूसरे लोग होंगे वो स्कूटर्स में रेयर ब्रेक ही यूज़ करते होंगे, तो वो एक अच्छी चीज़ है, उससे स्कूटर आपका स्लिप नहीं होगा और गाड़ी जल्दी रुकेगी। तो यहाँ पर डिस्क वेरियंट आप लोगों को मिल जाता है, डिस्क काफ़ी छोटा लग रहा है देखने में, बट क्योंकि 12 inch का यहाँ पर आपको टायर कंपनी दे रही है। अगर मैं टायर की प्रोफाइलिंग की बात करूं तो अगर आपको दिख रहा हो, मैं थोड़ा सा साइड हो जाऊं,
हाँ आप देख सकते हो 90x90 R12 ट्यूबलेस टायर इसके अंदर आपको मिल जाते हैं। अलॉय इसके अंदर आपको मिल रहा है, ब्लैक कलर के पूरे अलॉय मिलते हैं। शीट मेटल आपको इसके अंदर नहीं मिल रहा है। बाकी ये आपके मड फ्लैप्स हो जाते हैं ताकि अंदर कीचड़ वगैरह ना आए, और ये आपको रिफ्लेक्टर्स मिल जाते हैं जो कि आपको रात में हाईवेज पे ज़रूर हेल्प करेंगे। बाकी फ्रंट के सस्पेंशन की बात करूँ तो यहाँ पे आपको टेलीस्कोपिक सस्पेंशन मिल जाता है। और अब अगर मैं थोड़ा सा पीछे आऊँ तो ये आपको साइलेंसर मिल जाता है, काफ़ी बड़ा है बट ज़्यादा बाहर भी नहीं है। अगर मैं बॉडी किट की इसके मतलब ये जो स्टील गार्ड लगे हुए हैं अगर मैं इसके बिहाफ पे बात करूँ तो इससे बहुत ज़्यादा बाहर नहीं है, तो इट इज़ गुड, चल सकता है। तो ठीक है, मतलब साइलेंसर की प्लेसिंग भी अच्छी खासी है। अब अगर मैं पीछे की टेल लाइट्स की बात करूँ तो वो मैं आपको दिखा देता हूँ कि आपको वो जो LED मिल रही है या फिर हेलोजन मिल रही है। तो आप देख सकते हैं आपको हेलोजन लाइट्स एक्चुअली बल्ब लाइट्स मिल रही हैं, और ऑफ कोर्स सामने आपको बल्ब इंडिकेटर्स मिल रहे, तो पीछे भी आपको बल्ब इंडिकेटर्स ही मिलेंगे। यहाँ पे आपको डेडिकेटेड कोई भी लाइट नहीं मिल रही नंबर प्लेट के लिए, जो टेल लाइट की लाइट है उस हिसाब आपको काम चलाना पड़ेगा। कि इफ़ आई टॉक अबाउट द माइलेज ऑफ द स्कूटर तो आपको कुछ 50 के आसपास की माइलेज मिल जाएगी सिटी में, और 5 लीटर का आपको इसके अंदर फ्यूल टैंक मिल जाता है। और अगर मैं उसके परफॉर्मेंस की बात करूँ जो कि मैं चलाकर बहुत ही खुश हूँ इसको, तो उसकी परफॉर्मेंस काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। अगर मैं एनटॉक से भी इसको कंपेयर करूँ ना तो मे बी आई कीप दिस अबव एनटॉक। दोनों का ही 125cc का सेगमेंट है। सुजुकी का पहला स्कूटर है जिसको मैं वीडियो बना रहा हूँ। शायद मैंने एक्सेस पहले चलाई भी नहीं थी, आज पहली बार मैं एक्सेस चला रहा हूँ एंड माई एक्सपीरियंस वॉज रियली वेरी गुड। तो अगर मैं कुछ कंपनी के टर्म्स बताना चाहूँ, क्योंकि अभी तो मैं इसको स्पीड टेस्ट कर नहीं सकता क्योंकि मेरे पास, मैंने आपको बताया मेरा कैमरामैन जो है वो है नहीं, तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है स्पीड टेस्ट। लेकिन मैं आपको कंपनी के जो फैक्ट्स है, टर्म्स है, वो मैं आपको बता देता हूँ। तो कंपनी कहती है कि 0 to 40 इट कैन गो इन 3.18 सेकेंड्स, एंड 0 to 60 इट कैन कैच इन 7.19 सेकेंड्स, एंड 0 to 80 इट कैन कवर इन 13.7 सेकेंड्स, विच कैन बी रियली पॉसिबल। मेरे को लगता है कि हो सकता है यार, बहुत अच्छी, बहुत लिटरली बहुत अच्छी परफॉर्मेंस है इसकी। आप जाओ यार एक बार, अगर आप 80-90K का बजट है ना आपका, तो गो विद दिस स्कूटर, मैं कहना चाहूँगा। मतलब अभी तक मैंने बहुत सारी वीडियोस बना ली हैं बट लिटरली मेरे को बहुत पसंद आया। अगर नेक्स्ट स्कूटर मैं स्विच करूँगा ना तो मैं आई गो विद एक्सेस फॉर श्योर। नो हीरो, नो TVS, आई गो विद एक्सेस। एक्टिवा तो खैर लेनी ही नहीं है बट आई गो विद एक्सेस फॉर श्योर। तो जैसा कि मैंने आपको बताया इसमें और भी काफ़ी वेरिएंट्स आते हैं, तो वैसे तो ये ब्लूटूथ वाला कोई वेरिएंट नहीं है। अभी मैं इसको ऑफ कर देता हूँ, काफ़ी अपीलिंग सा लग रहा है, अच्छा लग रहा है यार मीटर इसका। तो ब्लूटूथ वाला वेरिएंट आता है तो उसके आप अपर वेरिएंट्स में जाएंगे तो आपको ब्लूटूथ भी मिल जाएगा। बट अगर मैं इसके डायमेंशंस की बात करूँ तो लेंथ 1870 mm की आपको इसके अंदर मिलती है, और अगर विड्थ की बात करूँ तो 690 mm की इसके अंदर आपको मिलती है, और अगर मैं हाइट की बात करूँ तो 1160 mm की हाइट इसके अंदर आपको मिल जाती है। इफ़ आई टॉक अबाउट द ग्राउंड क्लियरेंस ऑफ दिस व्हीकल तो 160 mm की ग्राउंड क्लियरेंस के अंदर आपको मिल जाती है। वेट भी बहुत ज़्यादा नहीं है, सिर्फ 103 kg का वेट इसके अंदर आपको मिलता है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द वैनिटीज़ वगैरह क्या है इसमें। तो जो इसकी बूट स्पेस है ना, अंडर सीट स्पेस है ना, बहुत ही अच्छी है, मतलब बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। लेट मी टेक माय हेलमेट और मैं हेलमेट डाल के दिखाता हूँ। ये मेरा हेलमेट है और मतलब नॉर्मल साइज़ का ही है, बहुत बड़ा नहीं है, बहुत छोटा नहीं है। स्कूटर वाले मोस्टली लोग ऐसे ही पहनते हैं। तो आप देखिए इस हेलमेट के बाद भी कितनी स्पेस इसके अंदर बच रही है, अभी तो आप देखो तो अच्छी खासी। एक्टिवा के अंदर अगर मैं हेलमेट रख देता हूँ ना तो फिर मैं और कोई चीज़ रख नहीं पाता, फिर मेरे को हेलमेट के अंदर या साइड्स में एडजस्ट करना पड़ता है। तो दैट इज़ रियली गुड, काफ़ी बड़ी आपको इसके अंदर सीट मिल जाती है दो लोगों के लिए, बहुत ही अच्छी है। बट एक मेरे को उससे शिकायत है, ये सीट बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं है, लाइक पत्थर जैसी है ये सीट। तो वो एक थोड़ा सा डीमेरिट है इसका, बट ठीक है, परफॉर्मेंस इसकी A1 है। बाकी इधर आऊँ, मेरे को ये चीज़ बड़ी पसंद है यार, मतलब स्कूटर चलाते चलाते फ़ोन रखना है, फ़ोन उसके अंदर रख दो, जब निकालना निकालो, अच्छी खासी हाइट है इसके अंदर तो आराम से फ़ोन वगैरह रख सकते हो, ऐसे गड्ढे वड्ढों में बाहर भी नहीं निकलेगा। अब मैंने काफ़ी चीज़ें आपको बताई थी, लुक्स उसके काफ़ी, मतलब बहुत ज़्यादा एजेस वगैरह नहीं है, नॉर्मल है बहुत ज़्यादा लुक्स उसके, बट ठीक है, मतलब मेरे को तो ठीक लग रहे हैं, अच्छे लग रहे हैं। बाकी एक बार मीटर की तरफ चलते हैं, पहले पीछे मैं आपको बता दूं कि आपको यहाँ पे रेयर में कॉइल स्प्रिंग्स शॉकर्स मिल जाते हैं। यहाँ पर लेफ्ट साइड में अगर आप देख सकते हो तो यहाँ पे कॉइल स्प्रिंग्स शॉकर्स मिल रहे हैं आपको। और रेयर में अगर मैं टायर की बात करूँ, मैक्सिस के टायर इसके अंदर दे रखे हैं कंपनी ने। बाकी इफ आई टॉक अबाउट द टायर प्रोफाइल तो 90x100 है, हल्के से चौड़े हैं ये देख सकते हो अगर आप, हाँ
90/100 R10 मिल रहे हैं इसके अंदर। तो पिछले वाला जो टायर है वो आपका छोटा है, अगले वाला टायर थोड़ा सा बड़ा है, जस्ट लाइक एक्टिवा में जैसे आ रहा है कुछ वही हिसाब है। तो पता नहीं क्यों करते हैं, मुझे समझ में नहीं आती है जी। बाकी जो है वो यही है, ट्यूबलेस आपको ये टायर भी मिलने वाला है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द की ऑफ दिस व्हीकल। तो कुछ ऐसी की इसके अंदर आपको मिल जाती है विच इज़ वेरी नॉर्मल। और बाकी ये लॉक्स वगैरह खोलने के लिए, ये लॉक होता है तो ये लॉक वगैरह खोलने के लिए ये चीज़ आपको मिल जाती है। बाकी लेट्स टर्न ऑन द इग्निशन। इग्निशन ऑन करते ही इतना सुंदर इंडिकेटर मिलता है, आप देखो यार ये लाइट्स कितनी प्यारी लग रही हैं, रात को तो बहुत अच्छी लगेंगी ये। तो कुछ ऐसा आपको स्पीडोमीटर मिल जाता है, बाकी यहाँ से आप कंट्रोल कर सकते हैं चीज़ें। जैसे ये अभी लाइट का ही खुला हुआ है, बंद हो गया नहीं, ये चल रहा है शायद, ठीक है। हाँ ब्राइट दिख रहा है आपको, हाँ ये। बाकी दिस इज़ द टोटल किलोमीटर्स ड्रिवन, जो स्कूटी टोटल किलोमीटर चल गई वो है 1760। और आगे चलें तो 901 ये आपका ट्रिप है, ट्रिप है, ट्रिप भी 897। और ये टाइम हो जाएगा 3:46 PM। और ये आपको यहाँ पे बैटरी के वोल्टेज भी दिखाते हैं, वैसे हम नॉर्मल बंदे के लिए कोई यूज़ तो नहीं है, बट ठीक है बैटरी डेड ना हो ये सब इंश्योर करने के लिए अच्छा है। बाकी इसके नीचे ही आपको यहाँ पे फ्यूल इंडिकेटर मिल जाता है, सुजुकी की यहाँ पे बैजिंग मिल जाती है। और सिंगल आपको सिर्फ और सिर्फ मीटर मिलता है, यहाँ पे आपको थोड़ा कुछ इंडिकेशंस मिल जाती हैं, लाइक जैसे मैं स्कूटर ऑन करता हूँ तो आप देखिए इंजन की यहाँ पे लाइट हो जाएगी, यहाँ पे आपको वार्निंग लाइट वगैरह मिल जाती है। बाकी अगर मैं कोई इंडिकेटर वगैरह ऑन करता हूँ तो उसकी भी आपको लाइट्स यहाँ पे मिल जाती हैं। और अगर मैं इधर बटन्स की बात करूँ तो ये आपको पास लाइट वगैरह ऑन करने के लिए बटन है, एक ही में आपको दिया हुआ है, ये रहा पास लाइट ऑन हो गई, अगर मैं ऑफ़ कर दूँगा तो इसकी लाइट्स ऑफ हो जाएंगी। बाकी ये इंडिकेटर का बटन है, अगर मैं उसका हॉर्न सुनाऊँ तो काफ़ी नॉर्मल सा हॉर्न है। बाकी इसका जो टच है ना वो आई टच वाला सिस्टम है इसके अंदर, मैं दिखाता हूँ आपको, सिर्फ ऐसे पकड़ के एक बार टच करना है ये अपने आप स्टार्ट होगी। देखिए ये अंदर जो इनहेरिटेड है ये स्टार्ट होने का प्रोसेस इनका खुद है। बाकी देखो मैं इसको सिर्फ टच कर दूंगा और छोड़ दूंगा, आप देख सकते हो कैसे स्टार्ट हुई है। ये एक बार और दिखाऊं, आवाज़ सुनना आपको समझ में आ जाएगा, हमें पकड़ के जैसे ऐसे पकड़ के एक्सीलरेट करना पड़ता था ना वो चीज़ नहीं है, सिर्फ ब्रेक दबाओ टच ये अपने आप स्टार्ट हो रही है। तो डैट इज़ अ गुड फीचर, मुझे लगता है सब में होना चाहिए। बाकी 100 इसकी टॉप स्पीड है, ऑलमोस्ट 100 तक ये चली जाएगी। 97 ऐसे कंपनी बोलती है लेकिन हम इंडियंस हैं, हम रिकॉर्ड्स तोड़ना जानते हैं। बाकी मैं आपको बता देता हूँ कि ये अंडर सीट कैसे खुलेगी, अभी तो ये खुली हुई है, मैंने इसको बंद कर दिया, अभी बंद हो चुकी है देख सकते हैं। स्कूटर्स में ऐसा आ गया है तो मैं सिर्फ आपको यहाँ से ऐसे हल्का सा लेफ्ट की तरफ टर्न करना और आपका बूट खुल जाएगा। एक बार और मैं आपको दिखा देता हूँ, ये बंद हो चुका है, सिर्फ आपको यहाँ से एक बार लेफ्ट की तरफ, ऑफ है, ऑफ पे है ये भी, और ऑफ पे सिर्फ ऐसे टर्न कर दो ये खुल जाएगा। बट यार कंपनी से एक और मेरे को शिकायत लगी, दो ही चीज़ें वो लगी मेरे को, इसकी सीट एक तो बहुत ज़्यादा हार्ड है, दूसरी चीज़ यहाँ पे जब दे ही रहे थे यार लॉक में एक और चीज़ दे देते, फ्यूल टैंक का फ्यूल लिड खोलने के लिए वहीं पर ऑप्शन दे देते, अब इसके लिए हमें खोलने के लिए उतर के आओ, इसमें चाबी लगानी पड़ती है यार, चाबी लगा कर खोलना पड़ेगा, इतना ये सिरदर्दी है यार। ये थोड़ा सा मतलब थोड़ा सा ये भी कर देती कंपनी तो कितना अच्छा होता। बाकी तो सब है ही स्कूटी में, अच्छा ही है, आपको ये क्रोम के ग्लासेस मिल जाते हैं, काफ़ी अच्छा लगता है, क्रोम का भी काफ़ी लिमिटेड और अच्छा यूज़ किया हुआ है, मतलब स्कूटर की लुक्स काफ़ी ज़्यादा अच्छे लगे मेरे को। बाकी यहाँ पर आपको थोड़ा बहुत सामान वगैरह, आप यहाँ पे हेलमेट वगैरह भी लगा सकते हो, यहाँ पे अपना थोड़ी बहुत वेजिटेबल्स वगैरह अगर आप लेकर आते हो तो वो सब रख सकते हो, 3-4 kg मैक्सिमम, 3 kg वैसे रिकमेंडेड होता है, इससे ज़्यादा आप नाइट आओ तो अच्छा है, बाकी तो उस पर डिपेंड करता है कितना सह सकते हैं ये। बाकी ये पिलन के लिए आपको फुटरेस्ट मिल जाता है यहाँ पे, और डबल साइड स्टैंड और सिंगल स्टैंड आपको कंपनी से लगा हुआ मिलता है। बाकी यहाँ पे अरे मेरी नज़र अब पड़ी कि यहाँ पे आपको चार्जिंग स्लॉट भी दिया हुआ है यार, यहाँ पे आप आराम से अपनी चार्जिंग केबल लगाकर यहाँ पे फ़ोन रख सकते हो, और आराम से मतलब कोई जल्दी नहीं है कि घर से फ़ोन चार्ज करके जाना है, आराम से यहाँ रख के चार्ज कर सकते हो, बहुत अच्छी चीज़ है। तो आई थिंक मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी हैं, इसमें सारे फीचर्स वगैरह सब गिनवा दिए हैं, बाकी कुछ छूट जाए तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। अब हम बात करते हैं इसकी प्राइसिंग की, तो अगर मैं बात करूँ प्राइस की इस पर्टिकुलर वेरिएंट की, तो ये वेरिएंट आपका रहने वाला है स्पेशल एडिशन डिस्क CBS यानी कॉम्बो ब्रेक सिस्टम के अंदर आपको मिलने वाला है। तो इस पर्टिकुलर स्कूटी का जो है प्राइस वो आपको पड़ेगा अराउंड 89650 इन दिल्ली ऑन रोड, आपको 89650 की पड़ेगी, यानी 90,000 मान लो इतने की आपको ये पड़ जाएगी। बाकी इसी एडिशन में स्पेशल एडिशन में आपको ड्रम ब्रेक्स का ऑप्शन मिल जाता है, जो कि आपको 86,000 रुपीज़ दे के आप उसको अपना बना सकते हैं, मतलब 3,500 के करीब करीब कम हो जाते हैं उसके अंदर। बाकी इसके अंदर चार और वेरिएंट आते हैं जिसमें ड्रम CBS है, ओनली ड्रम
ब्रेक्स और CBS आपको इसके अंदर मिलेगा, स्पेशल एडिकेशन सॉरी यार स्पेशल एडिशन नहीं होगा, तो वो आपको मिल जाएगा 84,154 में। जो ड्रम ब्रेक्स है वो स्पेशल एडिशन नहीं होगा यार, क्या हो रहा है, स्पेशल एडिकेशन समझ नहीं आ रहा। अगर हम डिस्क में जाएं तो 87650 की वो आपको ऑन रोड दिल्ली मिलेगी। बाकी हम ड्रम में जाएं, ड्रम अलॉय ब्लूटूथ वाला जो ऑप्शन यहाँ पर आता है, इससे ऊपर वाला ऑप्शन, वो आपको पड़ेगा 92,700 का ऑन रोड दिल्ली में। और अगर हम डिस्क में जाएं जिसमें आपको ब्लूटूथ मिल जाए अलॉय भी मिल जाए, वो आपको सिर्फ 1,000 रुपये महंगा मिलेगा, वो होगा 93,700 दिल्ली में। तो अगर कोई भी मेरा दोस्त ब्लूटूथ वाला वेरिएंट लेना चाहता है तो वो डिस्क ही ले तो ज़्यादा अच्छा, क्योंकि 1,000 रुपये देकर अगर आपको डिस्क मिल रहा है तो बहुत ही अच्छी बात है। तो ये थी कुछ इसकी प्राइसिंग, बाकी अब इसकी राइड रिव्यू स्टार्ट करते हैं। तो ऐसा कुछ उसका एग्जॉस्ट नोट है, आप सुन सकते हैं काफ़ी साइलेंट रिफाइंड आवाज़ है। बाकी लेट्स स्टार्ट ड्राइविंग। आप मेरी नीज़ देख सकते हैं, मतलब काफ़ी ज़्यादा मेरे को स्पेस मिल रहा है, और पीछे भी काफ़ी अच्छा स्पेस है एक बंदे के बैठने के लिए। बाकी ट्रिपलिंग तो करने वाले अगर करोगे तो भाई वो उसमें थोड़ा सा आपको कंफर्ट में तो दिक्कत होगी। बाकी दिस इज़ हाउ द क्लस्टर और स्पीडोमीटर लुक्स, रात में तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगने वाला है। देखो इसकी कैसे लाइट चेंज हो रही है। पर्सनली मेरे को बड़ा पसंद आया यार, मेरे को मतलब थोड़ा अलग लगा, मैंने किसी स्कूटर में ये चीज़ नहीं देखी, तो इट इज़ वेरी गुड। बाकी अभी आराम आराम से मैं चला रहा हूँ। और अगर मैं इसके पिकअप की बात करूँ ना यार, पिकअप इसमें लिटरली बहुत अच्छा, ऐसा लगता है व्हील ही लग जाएगी भाई, मतलब बहुत ही, ऐसा कुछ नहीं है कि जो बहुत ही आराम आराम से पावर डिलीवरी हो रही है, ऐसा कुछ भी नहीं है, मतलब बहुत तेज़ भागती है यार, मतलब फन ड्राइविंग व्हीकल है लिटरली ये। और ब्रेक्स भी इसके काफ़ी अच्छे हैं, सस्पेंशन बहुत अच्छे हैं, मैंने आपको बताया। सीट्स मेरे को इसके पसंद नहीं आ रहे, बाकी अगर मैं फ्रंट ब्रेक मारता हूँ तो आप देखो ये कैसे झटके ले रही है, तो ये सिर्फ फ्रंट काम कर रहा है। और अगर मैं ये वाला ब्रेक लगाता हूँ, जो कि मैं अभी नहीं लगा सकता क्योंकि मेरा हाथ बिजी है एज यू कैन सी, तो कॉम्बी ब्रेक काम करता है, यानी आपका रेयर और फ्रंट दोनों काम करेगा। फ्रंट में भी झटके लगेंगे बट वो कम होगा, तो उसमें क्या होगा ना कि आपका स्लिप होने के चांसेस थोड़े से कम हो जाएंगे और ब्रेकिंग आपकी एनहांस हो जाएगी, आपका जो व्हीकल है वो जल्दी रुक जाएगा। तो आई वुड मतलब सजेस्ट यू गाइस कि एक बार जाकर ना इसकी टेस्ट ड्राइव जरूर लेना, अगर आप स्कूटी वगैरह लेना चाह रहे हो 80-90 के आसपास की, तो आप इसकी टेस्ट ड्राइव एक बार ज़रूर लेना। बाकी देखो फन ड्राइविंग है यार, देखना ज़रा पाथ, देखो यार पाथ इतना बढ़िया, स्कूटर इतनी बढ़िया, सही चल रहा है यार सब कुछ। बाकी इसका जो माइलेज है वो मतलब 50 वैसे मतलब बोलती तो है लेकिन कंपनी, बट आई डोंट थिंक मतलब 45 से 50 के अराउंड तो दे ही देती होगी, बट स्टिल क्योंकि 125cc का इंजन है ना, थोड़ा सा रहता है। बाकी दैट्स ऑल अबाउट टुडेज़ वीडियो। ज़्यादा यार राइड रिव्यू शेयर नहीं कर पाऊँगा क्योंकि आज मेरा पैलियन है नहीं मेरे साथ, तो मेरे को लगता है मैंने काफ़ी कुछ आपके साथ शेयर कर दिया, क्योंकि मेरे को चलाने में लिटरली इसमें बहुत मज़ा आया, जितना मेरे को इसके फीचर्स वगैरह बताने में मज़ा नहीं है, मेरे को चलाने में भी बड़ा मज़ा आया। तो आई थॉट कि आई शुड शेयर थोड़ा सा, अगर एक हाथ से ही शेयर हो जाए कोई बात नहीं। तो ख़त्म करते हैं आज की वीडियो। बाकी यार कंसिडर ज़रूर कर लेना, सब्सक्राइब वगैरह कर लिया करो यार चैनल को, 98% इज़ नॉट अ स्मॉल नंबर है, बहुत ज़्यादा लोग हैं जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं कर रखा। और इंस्टाग्राम पे आपको पहले अपडेट्स मिल जाया करेंगी मेरी नई वीडियोस की, तो इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लो, नीचे आपको आईडी दिख रही होगी। बाकी ठीक है, फिर एंड करते हैं इस वीडियो में। यार थोड़ी सी भाई की बात मान लो तो अच्छा ही होगा, बाकी यहाँ जाम सा लग रहा है, तो ठीक है, एंड दिस वीडियो, लेट्स एंड दिस वीडियो, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।